शाहरुख खान की फिल्म पठान आई और आते ही छा गई। किंग खान के फैंस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में पठान का जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई संगठन पठान फिल्म का बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बायकॉट ट्रेंड पर अपना बयान दिया है और इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं, तब इस बायकॉट प्रकार की बातें आने से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण खराब करने के लिए कई बार पूरी जानकारी के बिना भी लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने मुंबई में फिल्मों पर बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है, ऐसे में कोई भी फिल्म थिएटर में जाएगी तो वो वहां से पास होकर ही जाएगी। उन्होंने कहा कि CBFC सभी पहलुओं पर नजर रखता है और वहां से अनुमति आने के बाद ही फिल्म थिएटर में आती है। अनुराग ठाकुर के इस बयान को पठान के समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है। पठान को लेकर जबरदस्त रिव्यूज भी मिल रहे हैं। दरअसल फिल्म का नाम और फिल्म में एक गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए कपड़ों के बाद इस सारे विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिल्म देशभक्ति से जुड़ी हुई बताई जा रही है और इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों की सोच बदली है। बहरहाल अनुराग ठाकुर का ये बयान भी फिल्म के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर का ये भी कहना है कि भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बनाया है और फिल्म थिएटर में जाती है तो उससे पहले पास होती है, यानी स्पष्टतः वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि फिल्म को लेकर किसी तरह का विवाद सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है कि फिल्म को देखने के बाद ही रिलीज किया जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के देशों के बीच सिनेमाई साझेदारी का भी आह्वान किया। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ SCO फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय फिल्में SCO देशों में बेहद लोकप्रिय हैं और इसने क्षेत्र के लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव का लक्ष्य SCO क्षेत्र की फिल्मों की विविधता और फिल्म निर्माण की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये फिल्म महोत्सव इस क्षेत्र के देशों को सिनेमाई साझेदारी विकसित करने का एक बड़ा अवसर मुहैया कराता है। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, हेमा मालिनी ने भाग लिया। इस मौके पर एनिमेशन सीरीज भारत है हम का प्रोमो भी जारी किया गया। महोत्सव में SCO सदस्य देशों की 57 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।